गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो आप सभी? कैसे हो आप सब? मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ पूजा शर्मा। आज से मैं ही आपको हिंदी पढ़ाऊंगी बच्चों। जानते हो मुझे? यस मैम। गुड, वेरी गुड। वाणी वाली बुक निकालो आप और चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है प्रार्थना, ओपन करो और अपने अपने माइक्स ऑफ कर लो। माइक ऑफ कर लो। तो बच्चों आज का हमारा पाठ है एक जिसका नाम है प्रार्थना। प्रार्थना यानी हम जो भगवान से प्रेयर करते हैं उसे हम अपनी जो भी हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो सारी शेयर करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रार्थना। जो भी हमारी कोई भी विशेष है भगवान के आगे रखते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है एक कविता के माध्यम से। तो पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। शब्दार्थ जो न्यू वर्ड्स हैं वो देखते हैं क्या क्या है। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है क्या बच्चों? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस मैम। गुड, माइक ऑफ कर दो बेटा। तो पहला हमारा शब्दार्थ है उज्जवल। क्या है? उज्जवल। उज्जवल किसको कहते हैं? सफेद, जो चमकता है ना उसे कहते हैं उज्जवल, कांतिमान। फिर है स्वच्छ। स्वच्छ मतलब साफ सुथरा। स्वच्छ मीन्स साफ। फिर है अतल। अतल किसको बोलते हैं? बहुत गहरा। अतल मतलब बहुत गहरा। आपकी बुक में दिए गए हैं बच्चों शब्दार्थ। बुक ओपन करो वहीं मिलेंगे आपको। और फिर है निर्मल, जो गंदगी रहित हो शुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? निर्मल, सा शुद्ध, जिसमें कोई भी मिलावट ना हो। तप कर, तप कर, तपस्या करके। फिर है सरसरावे। सरसावे। हरा भरा सुंदर। और फिर है हमारा लास्ट शब्दार्थ क्षिति। क्षिति मतलब पृथ्वी। तो ये जो हमारे शब्द आएंगे, न्यू वर्ड्स आएंगे इस पाठ में, उनके अर्थ हैं। पहला है उज्जवल। उज्जवल किसको बोलते हैं? सफेद या कांतिमान। स्वच्छ, साफ। अतल, बहुत गहरा। निर्मल, शुद्ध। तप कर, तपस्या करके। सरसरावे,
हरा भरा सुंदर। शिति पृथ्वी, शिति किसको कहते हैं? पृथ्वी को। तो अब हम इस पाठ की तरफ बढ़ते हैं, ये कविता पढ़ते हैं जो जिसका नाम है प्रार्थना। इसके ये जो शब्दार्थ हैं ये इनका हिंदी अर्थ है। आवाज आ रही है बच्चों? यस मैम। गुड। हे जीवन स्वामी, तुम हमको जल सा उज्जवल जीवन दो। ये जो बच्चे हैं फोटो में देख रहे होंगे ना आप, जैसे ही इस फोटो में दे रखा है, ये जो बच्चे हैं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हे जीवन स्वामी, यानी हमें जीवन देने वाले स्वामी, क्योंकि हमारा जीवन, हमारा जन्म किसने किया? भगवान ने। कि हमारा, हमें जीवन देने वाले स्वामी, तुम हमको जल सा उज्जवल जीवन दो। कि जैसे जल, जल किसको कहते हैं? पानी को। तो जैसा पानी सफेद साफ सुथरा रहता है, वैसा तुम हमें जीवन दो। किसको कह रहे हैं बच्चे? भगवान को। कि हे जीवन देने वाले स्वामी, तुम हमको जल सा उज्जवल सफेद कांतिमान या साफ सुथरा जीवन दो। हमें सदा जल के समान ही स्वच्छ और निर्मल मन दो। क्या बताया, क्या प्रार्थना करी है बच्चों ने? कि हमें सदा, सदा मतलब हमेशा, जल के समान यानी पानी के समान ही स्वच्छ, स्वच्छ का मतलब क्या बताया था मैंने? साफ। और निर्मल, निर्मल मतलब शुद्ध। कि हमें सदा जल के समान ही साफ और शुद्ध मन दो। वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें जल के जैसा उज्जवल जीवन दो और स्वच्छ साफ सुथरा निर्मल मन दो। कि हमें ऐसा जीवन दो और ऐसा हमारा मन होना चाहिए, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। रहे सदा हम क्यों ना अतल में। अतल, अतल किसको बताया गया है यहाँ पे? बहुत गहरा, बहुत गहरा है ना। तो रहे सदा हम क्यों ना अतल में। कि हम हमेशा क्यों ना बहुत गहरी जगह पर रहें, किंतु दूसरों के हित पल में। कि हम कितने भी गहरे हों, कितनी भी मुसीबत में हों, पर हमें दूसरों की, दूसरों का हित करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम कितने भी गहरे हों, कितने भी बहुत काम में बिजी हों, मतलब, पर हमें दूसरों का हित ही सोचना चाहिए, उनका कभी गलत नहीं, अहित नहीं करना चाहिए। आवे अतल फोड़कर तल में, ऐसा शक्ति पूर्ण तन दो। आवे अतल फोड़कर मतलब कि हम गहराई को तोड़कर या फोड़कर थल पर आ जाए, थल यानी जमीन पर आ जाए। थल किसको बोला गया है? जमीन पर आ जाए, हाँ जमीन पर आ जाए। ऐसा शक्ति पूर्ण तन दो, यानी हमें ऐसा शक्तिशाली बलवान बना दो हमारे शरीर को, कि हम जमीन को या कितने भी गहरे खड्डा या कुछ भी हो उसको फोड़कर हम आ जाएं। हमें इतना शक्तिशाली शरीर दो। किसको बोल रहे हैं बच्चे? भगवान को। स्थान ना क्यों नीचे ही पावे, पर तप कर ऊपर चढ़ जावे। बच्चे क्या कह रहे हैं कि स्थान, जो हमारी जगह है, स्थान किसको बोलते हैं? जगह को। कि जो हमारी जगह है वो क्यों ना नीचे ही हो, चाहे हम नीचे ही क्यों ना हो, पर हम तप कर कर, मेहनत कर कर, तपस्या कर कर ऊंचाइयों पर चले जाएं। आज आप पढ़ते हो तभी तो अच्छे नंबर लाते हो ना, लाते हो ना। अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो फिर कैसे लेके आओगे अच्छे नंबर, आगे प्रोग्रेस कैसे करोगे? तो बच्चे यही कह रहे हैं कि चाहे हम नीचे ही क्यों ना हो, पर हम तपस्या करके, मेहनत करके हमें ऊंचाइयों पे लेके आओ, जिससे हम घर वालों का, अपना, सबका, अपने देश का नाम ऊंचा करें। गिरकर भी क्षिति को सरसरावे, ऐसा सत्साहस धन दो।
हमें कैसा धन दो, धन यानी धन दौलत हमें कैसी चाहिए कि हम गिरकर भी, क्षिति किसको कहा गया है, पृथ्वी को, कि हम गिरकर भी पृथ्वी को हरा भरा कर दे, हमें ऐसा धन दो। अगर हम गिर भी जाए ना तो हमें ऐसा ऐसा धन दो जो हम हमारी पृथ्वी को हरा भरा कर दे, हम में इतनी क्वालिटी दो, जो हमें हमें धन दौलत पैसा ये नहीं चाहिए, बस खाली इस धन की जगह हमें ऐसा वरदान दो जो हम पृथ्वी को हरा भरा कर दे। तो ये बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, उनको जीवन कैसा चाहिए, जल जैसा उज्जवल, कैसा चाहिए, आवाज आ रही है क्या बच्चों, कैसा जीवन चाहिए उनको, जल के जैसा उज्जवल, कैसा, जल के जैसा उज्जवल, जल के जैसा उज्जवल क्या चाहिए, जीवन। किससे प्रार्थना कर रहे हैं वो, प्रार्थना भगवान से, भगवान को यहाँ क्या नाम दिया है, जीवन स्वामी, क्या नाम दिया है भगवान को, यहाँ भगवान भी बोल रहे हैं बच्चे, जीवन स्वामी, कि हमें जीवन देने वाले स्वामी, उनको कैसा जीवन चाहिए, जल के समान उज्जवल, और मन कैसा चाहिए, वो कैसा मन मांग रहे हैं भगवान से, स्वच्छ और निर्मल, कैसा मांग रहे हैं, कैसा मांग रहे हैं मन, स्वच्छ और निर्मल, और हम हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए तैयार रहें, मदद के लिए तैयार रहें, और हमें ऐसा शक्तिशाली तन दो जिससे में हमारे शरीर में बहुत सारी पावर आ जाए, शक्तियां आ जाएं, ऐसा हमें शरीर दो, और क्या हुआ बेटा, कैसे बंद हो गया, नहीं मैम अब ठीक आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम थी बेटा, ठीक है ना, समझ में आया क्या, ये बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें जल के जैसा स्वच्छ और उज्जवल जीवन दो, और मन जो हमारा है वो स्वच्छ और निर्मल होना चाहिए, और हमें ऐसा शक्तिशाली शरीर दो, तन दो, जो हम जमीन को, हम नीचे से तल फोड़कर भी जमीन पर आ जाएं, और हमें इतना परिश्रमी बनाओ जिससे हम बहुत दुनिया में नाम कमाएं। समझ में आया ये पार्ट, यस मैम, वेरी गुड। शब्दार्थ आपको नोटबुक में करने हैं, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में, ओके मैम, है ना, और आज हम इसका थोड़ा सा अभ्यास कार्य भी करेंगे, जो बुक वर्क है ना वो भी करेंगे, तो इसमें है हमारा पहला भाषा बोध, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ, जो हमारा सही ऑप्शन है उस पे हमें सही का चिन्ह लगाना है। पहला है हमारा शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य, ये देखो तीन दिए हुए ऑप्शन में, शुद्ध शब्द है, सॉरी मैंने वाक्य बोल दिया था, शुद्ध शब्द है, कौन सा है, उज्जवल और उज्जवल उज्जवल, तो ये तीन तरीके से लिखे हुए हैं शब्द, तो सही शब्द कौन सा है, फर्स्ट वाला है हमारा उज्जवल, इस पे राइट का निशान लगाना है, ठीक है, फिर है नेक्स्ट, सूर्य किस
किस दिशा में उगता है? कौन सी दिशा में उगता है? पूर्व में, पश्चिम में या दक्षिण में? पूर्व। पूर्व में। पश्चिम। या दक्षिण। कहाँ से उगता है पूर्व? सूर्य पूर्व से। कहाँ से उगता है? पूर्व से। कहाँ से उगता है? पूर्व से। फिर है हमारा नंबर थर्ड, क्षिति का समानार्थी शब्द। क्षिति किसका नाम था? इसका अर्थ क्या था? पृथ्वी। और इसका समानार्थी, इसके जैसा ही जो शब्द होता है उसको क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द। तो इसके जैसा शब्द है वृक्ष, पृथ्वी या छाया। तो क्षिति का पर्यायवाची क्या हुआ? पृथ्वी। वृक्ष नहीं होता, वृक्ष किसको बोलते हैं? पेड़ को। पृथ्वी। और तीसरा कौन सा है? छाया। तो इसका समानार्थी शब्द हुआ पृथ्वी। पृथ्वी। गुड। अब है नंबर चार। नंबर चार है समान शब्द से हमारा, समान शब्द से पहला अक्षर हटाने पर बने शब्द का अर्थ। समान लिखा हुआ है, समान में से पहला अक्षर हटा देंगे से, जैसे समान लिखा है तो इसमें से हमें पहला हटाना है, तो ये क्या बन गया? खाली ये दो अक्षर क्या बन गए? मान। तो इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हुआ आदर। पहला है मास, दूसरा है आदर, और तीसरा क्या है? पुष्प। तो इसका अर्थ क्या हुआ? मान का आदर। आया समझ में? वेरी गुड। समझ में आ रहा है? यानी आपको आ रहा है? यस मैम। गुड, वेरी गुड। तो पाठ समझ में आया आपको? इसका आगे का अभ्यास कर रहे हैं हम, कल करेंगे। और ये शब्दार्थ आपको नोटबुक में करने हैं, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में। राइटिंग सुंदर होनी चाहिए और पाठ भी पढ़ोगे ये प्रार्थना, ठीक है? ओके मैम। और आगे का ये बुक वर्क है ये कल करेंगे। ओके यस मैम। ओके बाय बाय बाय।